और मलेशिया जाने के बाद जब हम फैक्ट्री देखते, आज मेरे पास प्रेजेंटेशन नहीं, लेकिन जब मेरा प्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे नेक्स्ट मंथ हो रहा है, तब मैं पूरा आप लोगों से शेयर करूंगी पिक्चर्स वगैरह, तो उसमें और लगेगा कि आप लोग भी हमारे साथ में थे वहाँ एम्बेसी में, ठीक है? तो तब मैं, लेकिन सिर्फ अभी बात कर रही हूँ, फ्रीडम है, बहुत मजा आता है, और फैक्ट्री जब तक नहीं देखोगे तब तक दिमाग भी नहीं खुलेगा। जब आप फैक्ट्री देखते हो, मशरूम को हाथ में देखते हो ना, बच्चा लगता है, प्यारा सा बच्चा हाथ में है, और उसको देख के सच में आंसू आ जाते हैं ना, तो ऐसा है कि बच्चा हमारे हाथ में है, और ये बच्चा सब लोगों को लाइफ दे रहा है, लाइफ के साथ सब लोगों को हेल्थ भी दे रहा है, वेल्थ भी दे रहा है, और हैप्पीनेस तो है ही है, खुश रहना है, सबसे मिलके काम करना है, और जरूरत है, पैसे की जरूरत सबको है, कोई ऐसा यहाँ पर है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है? सारे लोग, पैसे वाले को भी पैसे की जरूरत है, हम चाहते हैं कि हमको एक्स्ट्रा और मनी आ जाए, कि हम अपनी लाइफ फ्रीडम फ्री होके हम अपनी लाइफ को जिए, तो सबको पैसे की जरूरत है। इसमें हमको क्या करना है, बस यूज एंड शेयर। जब तक आप यूज नहीं करोगे फॉरेस्ट, तब तक आप शेयर नहीं कर सकते, तो फर्स्ट यू वॉन्ट टू यूज, देन यू वॉन्ट टू शेयर। और ब्लेसिंग तो है ही है, जब हम शेयर करते हैं लोगों से और वहां पर लोगों को फायदा होता है, तो वो ब्लेसिंग ही है, लोग रो के दुआएं देते हैं, और मैं तो समझती हूँ मैं ब्लेसिंग में जी रही हूँ। आठ साल पहले मेरे हस्बैंड का देहांत हुआ है, मेरे हस्बैंड हमारे बीच में नहीं है, लेकिन डीएक्सएन ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास साथ मेरा बेटा है, 26 इयर्स की बेटी है, पढ़ाई खत्म करके लोग आए हैं और लोग जॉब कर रहे हैं, तो अभी मेरी लाइफ फ्री है, लेकिन मैं उस फ्री लाइफ को इधर उधर नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही कि पूरी लाइफ में डीएक्सएन को दूं, यहाँ पर एक कंपनी नहीं, लेकिन मुझे लोग तरक्की करें, लोग आगे बढ़े, जो चीजें मुझे मालूम है, जो मालूम मुझे, मैं आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों को दूं। मेरी मीटिंग आप लोग देखते हो, खत्म नहीं करती हूँ, है ना? मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा दूं, लोग थोड़े से बोर भी हो जाते हैं, लेकिन सब लोग बोर नहीं होते, जिनको चाहिए वो बैठते, जिनकी किस्मत में अच्छा ही है वो लोग बैठते, जिनको नहीं चाहिए वो लोग बेचारे निकल के चले जाते, तो मुझे उसमें दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, मैं खुश होती हूँ, चलो उनकी किस्मत में नहीं था। डॉक्टर लिम का स्टोरी पता है आप लोगों को? डॉक्टर लिम अकेले थे जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, ओके? लेकिन डॉक्टर लिम ने 10 लोगों को इनवाइट किया, 10 लोग आए उनकी मीटिंग में, लेकिन वन बाय वन कोई जा रहा है वॉशरूम, कोई जा रहा है चाय पीने, कोई जा रहा है कॉफी पीने, ऐसे करके 9 लोग निकल के बाहर चले गए, एक आदमी बचा जो डॉक्टर लिम को सुन रहा था, उस आदमी की औलाद हम है, समझ में आया? जो आदमी बैठा था उसने ज्वाइन किया, उसके अंडर में हम ग्रो हो गए। एक आदमी को मीटिंग दे रहा हूँ या दे रही हूँ, यही सोचना कि एक आदमी पूरा वजन उठा के जाएगा, 7.2 मिलियन लोग उसके अंडर। कंपनी को 25 साल कंप्लीट हुए, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इतने साल कंप्लीट करेंगे, बहुत सारी कंपनी आई और गई, आया राम है गया राम, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, और बहुत सारी कंपनी अभी भी है, तो बहुत सारी कंपनी इनवाइट भी करेगी, पैसे भी देंगी, लेना नहीं है हमको, हमारा डीएक्सएन इज इनफ, हमको कोई और चीज नहीं चाहिए, डीएक्सएन से पैसा आएगा, लेकिन आप सोचोगे मैं बैठ के कमाऊंगा, नहीं होगा, आपको मेहनत करना है, मैंने मेहनत की, मैं लेडी होके मेहनत की, हस्बैंड के देहांत के बाद भी मैं यहाँ टिकी रही, अगर कोई औरत दूसरी होती तो निकल के जाना पड़ता, सही है, लेकिन मुझे सपोर्ट था, मोरल सपोर्ट, पैसों से सपोर्ट नहीं, मोरल सपोर्ट कंपनी से, डीएक्सएन से, सलीम सर, देखो दुआ है ना हमको, आज हम कहां से कहां पहुंच गए, सही है, तो सलीम सर के लिए भी तालियां बजाएं, ये अचीव किया उन्होंने तो बहुत खुशी की बात है, तो इस तरीके से इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोरल सपोर्ट, तो आज मैं टिकी हूँ, और मेरे बच्चे यहाँ की पैदाइश की, मेरे बच्चे नहीं जाना चाह रहे थे इंडिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहीं पर हूँ और यहीं पर रहूंगी, आप लोगों के साथ रहूंगी, और मैं चाहूंगी कि तरक्की करे, और बहुत इसमें अगर मेहनत करोगे तो 5 साल इज इनफ आपको आगे बढ़ने के लिए, जरूरी नहीं है कि 10 साल या ये करो। और एक स्टोरी शेयर करूंगी, अभी आई थी, शी इज वन लेडी क्राउन एम्बेसडर विद इन 5 ईयर्स, 5 साल में एक लेडी क्राउन एम्बेसडर बनूंगी, और वो कहाँ से, बिहार, बिहार जानते हो, या बिहार, ठीक है, 5 साल में मैं पिक्चर, जब मेरा प्रेजेंटेशन
5 साल में वो अचीव किया उसने क्राउन एम्बेसडर लेडी, और मैंने उसको कॉल किया जब उसने अचीव किया, मैंने कॉल किया कि मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा लगा आपको सुन के। लेकिन उसने एक वर्ड मुझे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं शायद उसको वो भी मुझे याद करते रहेंगे हमेशा, बोली मैडम आप 6 साल पहले बिहार आई थी और आपने जो मीटिंग दिया था सिर्फ वो सुन के मैंने कहा कि नहीं मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा लगा उसने जब फोन पे मुझे ये कहा, एंड 5 साल में शी इज क्राउन एम्बेसडर। अब क्राउन एम्बेसडर कैसे बनी पूछोगे, ये तो वो सिर्फ लेडीज को ज्वाइन कराती है, सिर्फ लेडीज, सिर्फ लेडीज। मैंने इसको ज्वाइन किया, तुम मुझे ज्वाइन कर दी, ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहती हो, ठीक है, आप 300 पॉइंट्स बनाओगी और मैंने बनाओगी, अभी मेंबर ना तो बोर ही बनाओगी, ठीक है। लेकिन जो भी न्यू ज्वाइन करती उसको यही बोलती कि तुम 300 पॉइंट बनाओगे तो मुझे ज्वाइन करो, वरना मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम जाओ, ठीक है। तो उसके अंडर में जो भी लोग ज्वाइन करते हैं 300 पीवी से, उसने स्टार्टिंग में 20 लाइंस खोल दिया, 20x20 जाना चाह रही थी, 20 लाइन स्टार्टिंग में खोला, इसको 300 बनाने बोला, इसको 300, इसको 20 लोगों ने 300 बना दिया, उनके अंदर में जो ज्वाइन हो रहे उनको भी 300 300, ठीक है, एक ही फॉर्मूला रखा है उसने। और ऑल लेडीज, मैं फोटो बताऊंगी आपको, मैं बैठी हूँ, वो बैठी, उसके हस्बैंड बैठे, हम लोग बैठे और सारे उसके अचीवर्स थे सामने बैठे हुए, पूरा टीम को उसने लेके गई, मतलब उन्होंने अचीव करके लेके, मतलब उसने अपने पैसे भर के नहीं, अचीव करके वो लोग लेके गए 20 डायमंड, जो बेचारे की पासपोर्ट नहीं बनी थी वो ने आए, लेकिन बाकी जितने थे रूबी भी उसमें आए थे, उसके स्टार रूबी भी उसमें आए थे जिन्होंने अचीव किया, 1,80,000 पॉइंट्स रूबी ने कैसे अचीव किया होगा बोलो, सोचो। तो शी इज डूइंग लाइक दिस, वो अगर कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए अभी पुराने लोग 100 सोचते रहते हैं, 100 कैसे बनाओ, चाय लो, पत्ती लो, चाय लो, कॉफी लो, 100 पॉइंट्स बन गए, हो गया काम, है ना। नहीं, आप लोग ये सोचो कि 300 पॉइंट्स बनाने, चलो ऊपर वाले जो किए किए, छोड़ दो उन लोगों, उनको भूल जाओ, 100 बनाने दो, लेकिन जिनको न्यू ज्वाइन करोगे उनको बोला अगर आप फास्ट मनी चाहते हो तो 300 पॉइंट्स बनाओ। यस, जब वो 300 पॉइंट्स बनाएंगे तो यू बिकम फास्ट क्राउन एम्बेसडर। यस, और वो लेडी ने 5 साल में करके दिखाया, अभी तक किसी ने नहीं किया, लाजलो ने किया क्योंकि लाजलो के पास बहुत टीम थी, इसके पास कुछ नहीं था, एंड गाँव, गाँव में क्या बेचती है, चाय पत्ती, पत्ती चाय का डब्बा, चाय पत्ती एंड स्पिरिना एंड टूथपेस्ट एंड सोप, बस, नो आरजीजीएल, नो बड़ी थी, कुछ बड़ा बड़ा नहीं, बस यही बेचती है और यही बिकवाती है लोगों से, ठीक है। तो बड़ी चीज है या छोटी चीज है, हम लोग के पास इतना बड़ा से कोई सी नहीं, बोल रहे इतना बड़ा से कोई जरूरत नहीं, चाय कॉफी से भी आप अपने पॉइंट बना सकते हो, एंड नो नीड, अपने लिए नहीं खरीदना है आपको, हम लोग को कंज्यूमर्स भी चाहिए, अगर आप कंज्यूमर्स ढूंढोगे तो आपके पॉइंट्स बनेंगे बनेंगे। मेरी बेटी SSD है, वो कुछ भी नहीं करती है, उसके 300 पॉइंट्स मैं बनाती हूँ, मेरे 300 पॉइंट्स मैं बनाती हूँ, मेरे बेटे की 300 पॉइंट्स मैं बनाती हूँ, 900 पॉइंट्स मैं बनाती हूँ। गलती किसकी है, आपने हमको क्यों ज्वाइन किया, लेकिन शी इज नॉट अंडरस्टैंड कि SSD जाके बहुत आगे जाके उसको बहुत फर्क पड़ेगा, फायदा होगा, ठीक है। कंज्यूमर, शी इज कंज्यूमर, कंज्यूमर बहुत अच्छे से, हाँ बहुत अच्छे से खाती है, और मम्मा की तरफ से। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग SSD और डायमंड तक पहुंचा दी हूँ, मैं चाहती हूँ वो लोग अपने से, जो 500 लोगों में से 90% लेडीज थी नेपाल में, ओके, तो लेडीज तो मुझे जानती है और जब मैं नाम सुनती है तो दौड़ दौड़ के आती, पहाड़ियाँ उछल उछल और मुझे अच्छा लगा था कि इतनी लेडीज आके मीटिंग ज्वाइन की और लोग कुछ सीखे और कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है। बिहार की भी आप लोग पिक्चर्स वगैरह देखोगे ना तो गाँव गाँव में नीचे बैठ के भी जमीन पे बैठ के मीटिंग दे रहे हैं, हम लोग को इतना अच्छा एटमोसफेयर मिला, इतना अच्छा ऑफिस मिला है। और हमारे लिए एक चीज मैं लास्ट आप लोग से बोलूंगी कि हमारे लिए एक चीज और अच्छी है, हम इस जगह रह रहे हैं, हमको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग मिलेंगे, बिहार में बिहारी लोग मिलेंगे, यूपी में यूपी वाले मिलेंगे, बॉम्बे में बॉम्बे वाले, लेकिन हमको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग मिलेंगे, इनके साथ अगर हमको यहाँ से जाना भी पड़ा
तो ये लोग यहाँ बिजनेस करेंगे, हमको वहाँ पर बोनस आता रहेगा। जितना हमको टाइम मिला है हमको इसको अच्छे से गुजारना है, अच्छे से लोगों से बात करना है। पता नहीं कौन सा वक्त ऐसा हो कि हमको यहाँ से जाना पड़े। आजकल देखो, आज रात को आप सोच रहे मुझे कल ऑफिस जाना है, कल ऑफिस जाओगे आपके हाथ में एक लेटर मिल रहा है, बहुत हुआ बहुत ही हो रहा है। तो लोगों के पास, जिनके पास डीएक्शन है, लोग डर नहीं रहे हैं, वो लोग अपना डीएक्शन लेके अपने मुल्क में जा रहे हैं। डॉक्टर लिम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और भी पिक्चर बाकी है यारो, और वो पिक्चर है डॉक्टर लिम ने MLM कंपनी ने फर्स्ट जेट खरीदा। yes. बहुत बड़ी बात है, किसी MLM कंपनी ने अपना जेट नहीं खरीदा है, बट डॉक्टर लिम ने अपना जेट खरीदा। तो सोचो कंपनी कितनी आगे बढ़ रही है, कितना अच्छा हो रहा है। प्रोडक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। फ्लाइट में बैठते थे तो मैं इसको इशारा करती थी, हम लोग शुरू हो जाते नंबर गुड मॉर्निंग, बेचारे लोग जो सो जाते थे प्लेन में सब उठते थे।